हेलो दोस्तों, आप सभी से जोहार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है हमारे चैनल बिनोली नाइन फैमिली में। जो नाश्ता कर रहे हैं, हलवा, सूजी का हलवा जो चीनी और गुड़ से बनाया हुआ है, अच्छा लग रहा। सूजी में चीनी और गुड़ में अच्छा नहीं लग रहा, फीका है हमारे लिए तो अच्छा। फीका तो लगा चीनी। अब चीनी के बदले गुड़ का ही यूज होता है, जैसे चाय बनाना है उसमें भी गुड़ यूज किया जाता है। और आज सुबह सुबह में साग बन रहा है हमारे घर में। देखिए इस साग को आप लोग पहचानते हैं कि नहीं, दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए सरोज दी साग तोड़ के लाई है, बहुत तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साग है। तो अभी हम सरोज दी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई बताओ क्या क्या साग तोड़ी है। ये सब साग सिर्फ मेरे आंगन में ही है, तो बुलाते हैं। जल्दी आ, जल्दी आ, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। जोहार दोस्तों, आज हम आपको साग के बारे में बताएंगे। हम लोग आदिवासी हैं और हम लोग बहुत तरह का साग खाते हैं। तो आज हम लोग घर में कुछ साग बना रहे हैं जिसमें चार तरह का साग है और ये साग जड़ी बूटी से भरा होता है। खाने में भी टेस्टी और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो ये कुछ साग है जिसमें ये देखने में बांस की तरह दिखता है लेकिन इसका पत्ता छोटा होता है और इस साग का नाम है केना साग। इसको केना बेना बोलते हैं। और ये है ग्रांडी साग। बहुत लोग नहीं जानते हैं और ये साग को घास समझकर फेंक देते हैं उखाड़ करके, लेकिन इसमें बहुत सारा जड़ी होता है, जड़ी बूटी होता है, बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। और इस साग को तो सभी लोग पहचानते होंगे, ये पोई साग है। और एक ये है गंधारी साग। गंधारी एक उगा करके जो मार्केट में बिकता है और ये गंधारी है अपने से उगा हुआ। दोनों में अंतर ये है कि जो अपने से उगता है उस गंधारी में कांटा होता है और ये गंधारी भी खाने में बहुत स्वाद लगता है। और ये सब साग आज हम मिक्स करके बना रहे हैं जो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बहुत तरह का बीमारी से हमें बचाता है, जैसे जॉन्डिस हुआ, मलेरिया हुआ, पेट का बीमारी हुआ, पेट को ठंडा रखता है। अब इसको कुकिंग कैसे करना पड़ेगा? कुकिंग बहुत सिंपल है, बस कढ़ाई तेल डाले, प्याज लहसुन मिर्चा अदरक का छौंका डाले, टमाटर हल्का डाल दिए, एक टमाटर काफी है। और उसके बाद साग डाल दिए, साग का पानी निकलेगा, उस पानी से ही साग पक गया। और ये इतना सिंपल तरीके से बनाया हुआ साग खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो जैसे कि बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा जानकारी देने के लिए। और बता दूं कि ये सरोज कुमारी खलखो जो मेरी दीदी है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है RLSY कॉलेज की, जो रांची यूनिवर्सिटी की है। तो बहुत जानकार है, बहुत अच्छा, नागपुरी में रिसर्च भी कर रही है और उसके विषय में, उसके आधार पर बहुत जितना होता है आदिवासी के ऊपर। तो जितना और कोई भी जानकारी चाहिए तो भाई आप लोग बने रहिए, आप लोगों को हम इसी तरह जानकारी देते रहेंगे। और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को जानकारी कैसा लगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी माते कुछ बोल रही है तो चलिए माते के पास जाते हैं। और वो कलमी साग और क्या साग के बारे में बोल रही है तो बता माई।
क्या कलमी साग हाँ खेता पता ही नियर हो हाँ ओके चलो माते भी जानकारी देना चाह रही है उसको हम बाद में करते हैं अभी माई तो नाश्ता उस्ता कर उसके बाद करी ले ठीक।